मंडी से पंडोह के बीच 6 मील और अन्य स्थानों पर बारिश के दिनों निर्माणाधीन 4 लेन प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में NHAI ने 4 मील से 7 मील के बीच 4 लेन प्रोजेक्ट में बदलाव करते हुए एक टनल बनाने का निर्णय लिया। 2 किलोमीटर लंबी ये टनल एक तरफा यातायात के लिए बनाई जानी थी और मौजूदा हाईवे को भी यातायात के लिए बहाल रखा जाना था। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुट्टण नहीं दूंगा। लेकिन अब NHAI एक के स्थान पर 2 टनलों को बनाने पर विचार कर रही है। जो मौजूदा सड़क है वहां पर भविष्य में भी कई तरह के खतरों की संभावना है, जिसके चलते यहां पर 2 टनलें बनाने की योजना बनाई जा रही है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि मंडी से पंडोह के बीच टनल निर्माण को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट के बाद ही यहां पर टनल निर्माण की संभावनाओं का पता चल पाएगा। यदि टनल निर्माण की संभावनाएं बनती हैं, तो फिर एक के स्थान पर 2 टनलें भी बनाई जा सकती हैं। इसमें जो हमारी मौजूदा एक DPR कंसल्टेंट है लायन इंजीनियरिंग, उसको हमने ऑर्डर कर दिया है कि आप इसमें वेरिएशन इसका बनाकर या फिजिबिलिटी चेक करें टनल की। क्योंकि टनल देना भी ऐसा नहीं है कि टनल वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है, ये सारा फिजिबिलिटी के बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे। तो उसमें अभी फिजिबिलिटी स्टडीज अभी चल रही हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कमेंट कर पाएंगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी से हमें पता चलेगा कि रॉक क्लासिफिकेशन क्या है और कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग भी इसमें देखा जाएगा कि जो नॉर्मेटिव कॉस्ट हमारी मिनिस्ट्री की है कि उसमें फॉल कर रही है कि नहीं कर रही है, तो फिजिबिलिटी के बाद ही इसमें कमेंट कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से विशाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।